शांत हो जाओ, ए शांत हो जाओ। चलो आगे रीजनिंग में बढ़ा लेते हैं, ठीक। चलो रीजनिंग को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। हाँ, क्या बता रहे थे? समाप्त नहीं होने वाला, न्यू चैप्टर फिर स्टार्ट कर देंगे क्या? चलो ध्यान देंगे। चलो शांत हो जाओ। चलिए कितना नंबर हो गया था बाबू, बताओ कितना? 61 तक। चलो हम कहां तक पहुंचे थे बता दो, 61 तक। अच्छा, द्वितीय ध्यान वाला हो गया था। चलो है बहुत अच्छा। हाँ, द्वितीय ध्यान वाला कहां से था? 57 से। क्या ध्यान देंगे बाबू चीज को, ठीक। 57 से आप ध्यान देना। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सबसे पहले हम लोग की अंग्रेजी वर्णमाला क्या, ए बी सी डब, नहीं क्या है अंग्रेजी वर्णमाला? ए से लेके जेड तक यही है। अच्छा, ए से लेके यम तक पहला अर्धांश, और दूसरा अर्धांश क्या बोला जाता है? यन से जेड तक। तो बाबू सुन लो, हम अर्धांश को नहीं, अभी क्या कर रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं के 14वें के बाएं, दसवां होगा ना, 14वां के बाएं, बाएं के 14वें के बाएं दसवां होगा। तो पहले द्वितीय अर्धांश उल्टो, तो क्या हो जाएगा पहला अर्धांश? ए से लेके यम तक सेम रहेगा, और उसके बाद द्वितीय अर्धांश को पलटेंगे तो जेड से लेके यन तक हो जाएगा, कोई दिक्कत? जेड से लेके यन तक हो जाएगा, कोई दिक्कत बाबू? सुन लो, अब देखो, आओ उल्टेगा तो सीरीज तो ऐसा ही बनेगा या और कुछ बनेगा सीरीज? तो सुन लो, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ऐसे हो जाएगा, तो बाएं से 14वां के बाएं दसवां, बाएं बाएं घट गया, जितना बाएं से चार। अब बाएं से चार बाबू देखो, बाएं तो इन्ने है, दाएं इन्ने, बाएं से चार बोले तो 13 के तो ये नहीं आएगा, एक से लेकर 13 तक तो रेगुलर है, तो इधर से चार बोले तो क्या हो जाएगा? डी। कौन सी इसका आंसर आएगा? और आओ 57 में आप, 58 में आप देखो, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 15वां के बाएं, बाएं बाएं घट गया, 15 में छो गया, बाएं से 9, कोई दिक्कत नहीं होगा? यानी इसका आंसर डी हो गया, इसका आई। अब देखो बाबू,
59 यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से दसवें के दाएं, बाएं से दसवें के दाएं पांचवा, बाएं से दसवा, अच्छा बाएं दाएं है जुट जाएगा तो बाएं से 15 बाबू, बाएं से क्या हो जाएगा, बाएं से 15 सुनो क्या, तो बाएं से 15 मतलब इससे तो ज्यादा हो जाएगा, इसमें चल जाएगा है, ई घर में जाएगा, ई सीरीज जो है जेड से लेके यम, इसको अपन मन से अगर हम इन्हें जोड़ दें यम से लेके ये तक तो कोई दिक्कत है, अपना सुविधा के अनुसार आंसर देने के लिए, अपना सुविधा के अनुसार पहुंची देने के लिए, तो बाबू देखो ई सीरीज हो जाएगा रेगुलर ई जेड से लेके यानी ए से यम एन ओ की एक एक बड़ल है, तो ई घर में आएगा तो मैंने क्या है लेफ्ट से 15वां, तो लेफ्ट से 15वां बाबू, तो लेफ्ट से 15वां मैंने 13 हटा दो, 13 ई घर में नहीं इसमें 13 हटा देगा 2 बचे, अब 2 एन एस मैंने जेड दन से 2, तो उन्नीस से बना लो, ए दन से नहीं याद है हो, तो यहाँ से यहाँ कई लेटर हो गया 26, तो 27 में 2 घटाएगा तो बोले ए दन से आएगा, 27 में 2 गया 25, ए दन से 25 क्या है बाई, कौन इसका आंसर आएगा बाई आंसर हो जाएगा। अब देखो 60 नंबर सेम क्वेश्चन, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए कौन सा अक्षर बाएं से तेरहवें के दाएं सातवां होगा, बाएं दाएं जुट जाएगा, बाएं दाएं जुट जाएगा, बाएं दाएं जुट जाएगा बाबू, अब क्या हो जाएगा बताओ, 13 और 7 20, बाएं से 20 तो एक रन तो नहीं, 13 हटा लो बचा 7, एन्ने से 7 तो उन्ने से 27 में 7 घटाओ कितना 20, 20 बोले तो कोई दिक्कत नहीं रहे दिक्कत, चलो एक सर यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर में लिखा जाए कौन सा अच्छा दाएं से दसवां के दाएं पांचवा होगा, दाएं दाएं घट गया, दाएं कितना हो गया 5, दाएं से 5, अब दाएं से 5 बताओ, अब दाएं से 5 बताएगा इस सीरीज में ना, दाएं से 5 तब ई घर में होगा, ई घर में होगा तो अपने मन से ई वाला सीरीज में ऐड कर देंगे, ये तो हम जान रहे हैं यहाँ से इतने के बीच है तो अपन मन से ई वाला जोड़ दिए तो रेगुलर क्रम में हो जाएगा, तो यहाँ से उन्हें 13 है, आईएनए से कोमा अभी आया, राइट से पचमा तो 13 आओ जोड़ देंगे, 13 5 18 ए से 18 कितना आ, ए से 18। अब देखो 62 बाबू, 62 यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं पांचवा होगा, दाएं दाएं घट गया, दाएं से कोमा आ गया 10, दाएं से 10 तो दाएं से 10 बाबू तो 13 जोड़ दो, 23 कितना है खत्म बाबू, डब्ल्यू कौन सा होगा इसका आंसर, आओ 63 यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अच्छा दाएं से ग्रामा के बाएं, तो दाएं बाएं दाएं से दाएं बाएं जुट जाएगा 11 5 16 यानी दाएं से कितने कोमा, दाएं से 16 तो 16 बाबू दाएं से 16 दाएं से कने 16। अब सुनो सीरीज तो यही नहीं बनल हो, ये तो आंसर देने के लिए अपना सुविधा के अनुसार कर रहे हैं, तो सुनो दाएं से कोमा स्थान 16 तो ई घारम तो नए के कम से 13 हटा तो बचा कितना 3, अब 3 इसमें है, अब ई देखो विपरीत क्रम में है एन एस 3 तो हमारा एन एस आ गए तो ये 13 को है लेटे 14 माइनस 3 तो कितना 11 बोल लेते हो, नहीं समझा ठीक से ध्यान देगा बाबू,
द्वितीय अर्धांश को विपरीत करके लिखेगा तो ऐसा सीरीज बनेगा ए से लेके यम, सॉरी ए से यम अन्योक्षि छोड़ देगा, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश से पलट देगा। तो क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत करके लिखा जाए, कौन सा अच्छा दाएं से पंद्रहवें के बाएं आठवां होगा? दाएं तो देख लो, अच्छा ऊपर वाला था दाएं से ग्रहवा के बाएं, दाएं से ग्रहवा के बाएं पांचवा, तो दाएं से कौन हो गया सोलहवा, तो दाएं से सोलहवा, तो ई तेरह लेटर में तो नहीं आएगा, तेरह तीन सोलह आदि तीन एन आएगा। तो ई सीरीज देखो ए से यम तक विपरीत क्रम में है, तो एन ए से तीन बार, तो ई तेरह गो है, तो हमारा एन ए से याद न है, हमारा ए से याद है। तो की करेंगे तेरह लेटर है तो चौदह में हटा देंगे एन ए वाला, तो चौदह से चौदह में तीन गया तो उन्नीस आ जाएगा, चौदह में तीन गया ग्यारह बोले तो कर्मा हो जाएगा। चौसठ भी देखो उसी है, द्वितीय अर्धांश विपरीत कर में लिखा जाए, दाएं से पंद्रहवा के बाएं आठवां, दाएं बाएं दाएं बाएं जुटेगा कितना, पंद्रह आठ पंद्रह आठ कहने से दाएं से तय, तो तेरह हटा दो बचा दस, दस और दस एने से तो चौदह में दस घटा दो होगा कितना हो जाएगा, राइट आंसर क्या डी इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा सीरीज अभी बचा हुआ जो और देख लेते हैं, चलो तुम इतना पढ़ लिया है ना, कभी जिंदगी में नहीं क्वेश्चन छूटेगा ये अंग्रेजी वर्णमाला से, समझ गए, हमेशा दूसरे से रीजनिंग अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो 30 को अगर है ना पूछता है तो 30 में तुम्हारा 28-29 कंफर्म हो जाएगा, तो 28-29 जाएगा। जो नहीं पढ़ ले है इन्हें कहते नहीं बनेगा, बनेगा तो अगर 18 बनेगा, 17 बनेगा, बनाएगा 25-26-27 ट्राई करेगा, पता चला आधा दे गलती मार के चलाया, लगेगा वो देख हम सब सही है, पता चला मिला रहे गलती, ये चीज होता है ठीक ना। तो ही सब अंतर होगा सब समझे, अब 23 के लिए तैयार हो जाओ अभी से, अगर अभी से सुतल रह गया 6 महीना भी लेट कर दिया तो तैसा वे बुलाए तो फिर मानो लहे रह जाएगा, फिर खड़ा भी होवे चांस नहीं, खड़ा भी होवे चांस नहीं हो। लेकिन लगभग लड़का को समझ में तब आता है ना जब एज पार होने लगता है, तब ऐसे समझ में नहीं आएगा, उससे मैथ बन रहा है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, जैसे तैसे एक आध बार पढ़ा नहीं होमवर्क किया और सोचेगा कि उतने में ले लेंगे नौकरी, वो कब को होशियार होगा जब 5 साल 8 साल दबाव बढ़ेगा घर से, 8 साल में होगा, होगा कैसे, वो तो हल्का हल्का पढ़वे किया, मेहनत नहीं है अकेले तो होगा, कभी हो नहीं सकता, झूठा मूठा फुसला के तो कह रहे हम तो जान नहीं सकते, ये हम जानते हैं कि कर देंगे वो कर देगा, पता चला 8 साल के बाद नहीं होगा तो वो जाके वहां पढ़ेगा, 8 साल बाद लेगा जल्दी जल्दी कोर्स, तब उसे देखता है बूढ़ा गया लेने है सब कोर्स, देखता है सब लेके पढ़ते रहता है, यहाँ कलह जाने में शर्म आता है तो चले, ये चीज होता है ऐसी नहीं बूढ़ाता है, लक्षण हो जाता है बुढ़ाने के, नहीं नौकरी ले लेगा कहते देखेगा बच्चे में दम से ले लेगा जॉब, ग्रुप डी आ रही देखेगा ना हो तो मोछो दाढ़ी नहीं आया जॉब कर रहा, तो की कारण है वो किसी के बात माना कि हम जिस चक्कर में बूढ़ा हुए तुम मत हो जाओ, तुम 1500-2000-3000 के चक्कर में मत पड़ो, उतना कमाएगा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारा वो चक्कर में तुम सोचता है कि एज में होशियार हो जाता है, गार्जियन से लिया पैसा नहीं देंगे सबको क्या पता चला संकला छोड़वा देते हैं नहीं एंट्री देते हैं, अब बोलेगा कि हाँ दोबारा मांगेगा गार्जियन से पैसा नहीं मांगेगा, पता चला उसी रह जाता है कमजोर के कमजोरे रह जाता है, तो ये सब चीज होता है कॉम्पिटिशन में। चलो आगे
सीरीज ही खत्म। आपको सुन लो कई सीरीज पढ़ाए। पहला देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक पढ़ाए थे ना, सीधा सीरीज था अंग्रेजी वर्णमाला। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर में लिख दिए थे क्या बाबू, एकरम दाएं से बाएं से जवाब दिए। ओकर बाद तीसरा, अरे तीसरा जो है क्या, तीसरा जो था प्रथम अर्धांश को और दूसरा अर्धांश को पलटा था। तो प्रथम अर्धांश होता है ए से यम तक और दूसरा अर्धांश प्रथम प्रथम और द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। तो प्रथम अर्धांश पलटा था तो यम ये तक सीरीज बना था, दूसरा अर्धांश को पलटा था तो एकदम बाएं दाएं सब जवाब दे दिया, नो प्रॉब्लम। चौथा में सिर्फ पहले अर्धांश को पलट रहा था, पहला को पलट रहा था मैंने यम से लेके और ये नौ का यम से जेड तक रहने दिया आए। अच्छा पांचवा सीरीज जो पढ़ाए, पहला अर्धांश सेम रहने दिया, दूसरा अर्धांश पलट दिया, कोई दिक्कत? ये पांचवा सीरीज पढ़ाए आओ सुनो। अच्छा यहाँ था एक और बीचे में था सीरीज मिला था, छठा पढ़ा दिया ए से शुरू करके डिलीट करते जाए नहीं हटाते जाए, तो सीरीज बनता था बी डी एफ डॉट 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 सब के बन जाता था। अगली बी से डिलीट कर रहा था ए सी डी डॉट डॉट डॉट। आपको सात वो सीरीज पढ़ा जितना हो सकता था, इससे कभी भी एक भी लेटर कुछ ज्यादा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं जाता, जितना मैक्सिमम हो सकता था घिसे के। अभी ने सोचो कि हदम सर याद रहेगा 14-15 नहीं, पहला अर्धांश को पलटेगा दूसरा लिख देंगे, ये लिखेगा तो अपने याद आ जाएगा कि कितना जोड़ना है कितना घटाना है, कि चीज होता समझा। तो ई वाला पढ़ लिया बहुत अच्छा, इससे भी रिलेटेड आउट सीरीज आएगा, कहे ना 7-8 नंबर का जवाब तू देगा, समझा, मायने रखता है। इस बार देखा ग्रुप डी किसका नंबर नहीं स्कोर हुआ, जगह रीजनिंग नहीं पढ़ल था, लग रहा था बन जाएगा पता चला बन भी नहीं गया। चलो आगे, तो सात सीरीज पढ़ा दिए, अब शुरू हम लिखाए थे 7-8 पढ़ाएंगे और आठवां देख लो। आठवां जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ेंगे। तो देखो आठवां अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आरी सैंगुलारी यूज होगा, ठीक 64 तक हो गया। देखो इसी को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अरे सैंगुलारी यूज होगा। तो देख लो बाबू कहां से बता दिए आप लोग, अरे क्या 64 करते हो यार, हो गया तो देखो अल्फा न्यूमेरिक कैसे इसे बोलते हैं, सिंगुलैरिटी यूज है ना, वो न्यूमेरिक नहीं नंबर उंबर। निम्न सरेणी दिया गया है, कौन सी निम्न सरेणी, क्या क्या देख लेते हैं, सरेणी क्या क्या है दिया वो देखो, B2C आई डॉलर है, डॉलर अमेरिका वाला डॉलर, और हैशटैग E5 @ copyright, 6HIQJ% 7 आई डाउट है, 9UZY सबसे पहले कितना लेटर है वो देख लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
कई लेटर है बाबू? कई को? एक दो तीन चार पांच, पांच पांच पांच, दस पांच पंद्रह, पांच बीस, बीस तीन चालीस। कई लेटर है यहाँ से यहाँ? कितना लेटर? अब सुनो हमसे क्या पूछ रहा है। इस श्रेणी से संबंधित निम्न छह प्रश्नों का उत्तर दो, ठीक ना? छह प्रश्न के उत्तर तो सुनो क्या है। पहला में सुन लो बाबू क्या है। जो कौन सा तत्व माने एलिमेंट, यानी तत्व ये सबके बोला है, कौन सा तत्व बाएं से चार के दाएं छो पांचवा होगा? देखो रूल तो वही चलेगा, बाएं से चार के दाएं, बाएं दाएं जुट जाएगा, तो बाएं से पम्मा, बाएं से नौमा, तो बाएं से नौमा ये पांच है, पांच पांच पे चिन्ह मारे, बाएं से नौमा पांच, दस में से एक पहले कितना होगा? कोई दिक्कत है तो हमको बताओ। अरे बाएं नौके न होगा, वो नौका दाएं होगा, दाएं होगा। आओ कौन सा तत्व बाएं से सत्रहवें के बाएं छोमा होगा? बाएं बाएं घट गया, सत्रह में छो गया, ग्यारह बाएं से ग्यारह, दस से ग्यारह, कॉपी राय, क्या कॉपी राय? अरे रे ऐसा पढ़ता है, कॉपी राय सी को भेज दो, कॉपी राय ठीक। देखा तीसरा, कौन सा तत्व बाएं से पांचवें के दाएं, बाएं दाएं जुट जाएगा, पांच चार नौ, बाएं से नौ हो, बाएं से नौ नहीं है, बाएं से नौ पांच। हाँ रुको, सुनो तीसरा में, कौन में तीसरा में, कौन सा तत्व बाएं से पांच और दाएं से चार के ठीक बीच में है? रे बाबू बाएं से पांच और दाएं से चार के ठीक बीच में है। तो सुनो आपको हम एक चीज बताए थे, आपको हम एक चीज बनाए बताए थे, औसत निकलेगा या तो दोनों बाएं कर लो या तो दोनों को दिक्कत, तो ऐसा कर लेते हैं हम दोनों बाएं कर लेते हैं, जो मन है कर। अच्छा इसको बाएं बनाने के लिए बाबू कई एलिमेंट है, राइट, तो एक ज्यादा में घटाएंगे राइट वाला तो लेफ्ट से आएगा, तो 23 नहीं कितना में घटाएंगे, 23 को पूरा 24 में चार गया, लेफ्ट से 20 आ गया, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट ये? लेफ्ट से 20 क्या होगा? देखो लेफ्ट से देखो तो हुआ है, देखो क्या है वही हमको लग रहा है, देखो इसमें छोटा हुआ है, फिर से हम जवाब लिखे दे देते हैं, लेटर वे वो छोड़ दिया,
देखो मिलाना तो B23C डॉलर और #E5 @copyright 6HIQ J% 78 78.9UZY क्या हिट होगा 78 जब कभी उसको लगता होगा कि ये वो छोड़ देगा तो कुछ नहीं होगा टाइपिंग वाला कि क्या जदी बबल है ये सच्ची गड़बड़ा देता है वैसे रीजनिंग ऐसा नहीं कोमा कोमा पर डिपेंड हो जाता है। अब चलो टाइस पहले लेटर था देखते हैं 2-2-4-5 पे बिंदु मारे अरे बाबू 5 2-2-4-5 पे बिंदु मारे 2-2-4-5 पे बिंदु मारे 2-2-4 की डॉट वहां पर है वो बिंदु चलो 5-10-15-20 अच्छा अब पूरा 24 लेटर है ये मत बोलना 23 को 24 को है नहीं तो ध्यान देगा 24 को है ना निम्न में से कौन सा बाएं से 4 के दाएं 5 बाएं दाएं जुट गया 9 बाएं से 9 5 क्या करें सर की आएगा 5 वो या पत्ती है आगे दूसरा कौन सा अक्षर बाएं से 70 बग बाएं 11 बाएं से 11 बोले कॉपी राइट कौन सा तत्व तीसरे चल रहा होगा कौन सा तत्व बाएं से 5 के दाएं से 4 के ठीक बीच होगा तो हम की बोले थे एक कास्ट कर लो दाएं है बाएं बना लो 24 एक 25 में घटा लो कौन सी 25 में घटा लो 4 अरे दाएं से है तो बाएं से आप बना लो तो 25 में गया 4 लेफ्ट से 21 अभी दोनों कौन सा थे 21 पास 26 बटे 2 26 बटे 2 13 हमारा लेटर देख लो 10-3 तेरा हमारा ये अच्छा ये हो जाएगा यस होगा कोई दिक्कत है बताओ अरे ये चेंज होगा है कोई दिक्कत नहीं अब देख लो आप चौथा अच्छा अगर हम ऑप्शन था ये होगा यस ये सही है चौथा नंबर देखो निम्न में से विषम छाटिए विषम माने और विषम अनि भिन्न के छाट दो तो देखो 2-3 देखो 2-3 यहाँ 2-3 आने 2-3 आने पहले लेफ्ट गया फिर राइट बीच से पहले लेफ्ट गया तो फिर राइट नहीं बाबू आने बी जो है मिडिल में है बी कहाँ है सही है ना बी से पहले ऐसे जाएगा ऐसे होगा वो बी से पहले एन्ने गया तो फिर की ठीक ए वो आएगा एन्ने अब ठीक और बोल अब देखो यहाँ से अच्छा ई बी से नहीं दूसरे देखे पहले का देखो चार से देखो दूसरे देखे पहले एन्ने आया फिर बोल देखो नहीं बाबू दूसरे पहले का जब चार से देखो चार से पहले डॉलर आया फिर हैशटैग ठीक है ना वो पहले डॉलर आया तो हैशटैग मैंने ये दोनों ठीक है आगे यहाँ छो से देखो पहले बाएं तो दाएं जाना चाहिए छो से पहले बाएं कॉपीराइट तो यस कीवर्ड ठीक है जैसे देखो जैसे पहले परसेंट बाएं आना चाहिए तो दाएं पहले चल गया तो क्यों आया होगा अरे पहले बाएं आता था तो दाएं जाता था यहाँ से पहले दाएं चल गया तो यह तो भिन्न है बाप यह मार यही बोले जब टाइम कुछ बच चेक करेगा यह देखो ऐसे आएगा बाएं तो जाए यू से चेक करो यू से पहले बाएं आया तब दाएं आया तो दिक्कत यू से नो तो भिन्न उसे कुछ अंतर आता छाट दिया जाता आगे पांचवा ऐसे कितने देखो पांचवा क्वेश्चन
ऐसे कितने संकेता अक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है, ठीक पहले, ऐसा कितना संकेता अक्षर है। संकेत मने सैंपल, सैंपल कौन कौन है, डॉलर, अरे कौन सी है सैंपल, डॉलर, हैशटैग, कॉपीराइट, ऐसा निकला और की है सैंपल, परसेंटेज, ई डॉट, और की हमने सैंपल जानते हो ना, वो लेटर है यू, अच्छा लेटर नहीं ये यू, और अंक है दो तीन चार जो है कि लेटर में अच्छा। देखो ऐसे कितने संकेता अक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है, जिनके ठीक पहले एक और ठीक बाद एक अंक आता है। ठीक पहले अक्षर आता है, अक्षर मतलब एक्स वाई जेड वाला अंक आता है, और ठीक बाद एक अंक आता है, अंक मतलब एक दूसरे पहले होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला कोई अच्छा और ओकर बाद होना चाहिए अंक। ऐसे कितने संकेत अक्षर है, एकर पहले आना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला कोई अक्षर और ओकर बाद अंक, है ना, इजी हो जाएगा कौन की बात। अच्छा ये संकेत अक्षर पहले की आना चाहिए तो आगे नंबर अंक होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये देखो पहले अंक आ गए नहीं होगा, पहले देखो सैंपल आ गए नहीं होगा, पहले देखो ई वाला पहले आहा अंक आई होगा, और ये देखो संकेत अक्षर डाउट है ना, आओ है करना हो कितना दो संकेत अच्छा है और अच्छा अच्छे फिर कर लेगा। पांचवा देखो ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है, भाट के इस श्रेणी में अगला स्थान क्या आएगा, यानी एक कर बाद अगला स्थान की आएगा नहीं, यह बोल रहा है तो सुन लो अगला की आएगा जवाब, अगला की आएगा जो आप ध्यान से सुन लो, अगला की आ रहा है, अगला की आ रहा है आप ध्यान से सुन लो। ठीक है देखो पहला इसका की है लेटर दू हैशटैग सिक्स, तो देखते हैं दू एजा है, हैशटैग एजा है, सिक्स का जा है। देखो आप दो दो चार पाँच, पाँच लेटर बढ़ा, फिर पाँच लेटर बढ़ा दो दो चार पाँच, अब फिर अगली बढ़ेगा पाँच लेटर दो दो चार एक पाँच की आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा ने? अब देखो तीन ई यच, तीन ई यच, फिर पच पच बढ़ा पाँच पाँच, फिर पाँच बढ़ा दो दो चार पाँच कैसा आ जाएगा। अभी चार कॉपीराइट जे, चार नहीं बाबू कौन सी पढ़ रहा है, चार कॉपीराइट जी, इधर पर क्या क्या बढ़ा, पांच बढ़ा और फिर पांच बढ़ा, फिर पांच बढ़ा, फिर पांच बढ़ा दो 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 चार एक पांच नाइन, ये हो जाएगा नाइन, यानी परसेंटेज सेवन नाइन ये करें कौन सी होगा, अगला जो आएगा परसेंटेज सेवन, अगला जो आएगा परसेंटेज सेवन, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है बताओ, है कोई दिक्कत, कितना अच्छा। तो इस प्रकार से अल्फाबेटिकल सीरीज समाप्त, अल्फाबेटिकल सीरीज समाप्त, अब फिगर काउंटिंग भी समाप्त की है, ठीक ना। अब जो है पांच छह चैप्टर लगातार आएगा, एक तक दो दो दिन के चैप्टर है नन्हा नन्हा, ओकर बाद डाइस पढ़ाएंगे, फिर क्यू एन क्यू वाई, ठीक ना, नहीं तब ना फिर कथन निष्कर्ष आई चलने लगेगा। तो आपको सबसे पहले अब क्या पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग, अभी नहीं कोडिंग डिकोडिंग मिला मिला पढ़ाते हैं, पहले अब छः सात को छोटा छोटा चैप्टर खींचेंगे, जैसे डिक्शनरी हो गया, पेयर फॉर्मेशन हो गया, ठीक ना,
और नंबर आदि जो आता है ना वो सब खींचेंगे पाँच छः चैप्टर, उसके बाद फिर लाएंगे दो तीन को वर्ल्ड रिलेशन हो गया ह्यूमन फिवाइड बड़ा चैप्टर पाँच पाँच छः छः क्लास के, और बाद लाएंगे कौन सी कोडिंग डिकोडिंग, और बाद फिर लाएंगे लंबा लंबा चैप्टर वो सब कथन निष्कर्ष, समझे? हाँ तो अच्छा है, टोटल आपको गिन के पढ़ा देंगे बाबू चैप्टर, ठीक ना? सिर्फ मैथेस नहीं होता है, टोटल सब्जेक्ट समाप्त करो, ठीक ना? कम से कम मैथ रीजनिंग गिन गिन के तब रिजल्ट आएगा। और दूसरा क्या करता है उसका छोड़ दो, दूसरा क्या करता है उसको छोड़ दो, जब तक दूसरा कोई अगर बर्बाद नहीं टाइम करेगा ना तब तक वो सुधरेगा नहीं, तुम्हारा देख के वो अनुसरण करेगा, ऐसे नहीं है, समझ गया ना? तो हमको लगता है आज इतना ही रहने दो।